साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तीसरे टेस्ट की एक भी गेंद फेंकने से पहले ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, वह भी ऐसा रिकॉर्ड जिसकी इन दिनों जोरदार चर्चा हो रही थी। दरअसल तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए वांडरर्स में कप्तान कोहली ने टॉस जीतने के बाद जैसे ही टीम इंडिया में बदलाव का ऐलान किया तो बतौर कप्तान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ गया। दरअसल बतौर कप्तान यह कोहली का 35वां टेस्ट मैच है। कोहली ने इस टेस्ट में टीम इंडिया में दो बदलाव के साथ उतरे है, यानी यह उनका 35वां मैच है जिसमें वह पिछले मैच से जुदा प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरे हैं। सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में प्लेइंग 11 में बदलाव करने वाले कप्तानों की लिस्ट में अब कोहली अव्वल नंबर पर आ गए हैं। कोहली ने इस मैच में भी प्लेइंग 11 बदलकर बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 34 टेस्ट मैचों में प्लेइंग 11 को बदला था। इस लिस्ट उनके बाद 31 मैचों के रिकॉर्ड के साथ इंग्लैंड के कप्तान रे एलिंगवर्थ है और 25 टेस्ट मैचों के साथ वसीम अकरम चौथ स्थान पर है। कोहली ने इस मैच में रोहित शर्मा की जगह पर अजिंक्य रहाणे और फिरकी गेंदबाज अश्विन की जगह पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को प्लेइंग 11 में जगह दी है। दोस्तों यदि ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल True 24 News। धन्यवाद।